So this is the chapter that we are starting with, chapter 6 of Mankiw, supply, demand and government policies. So naam se hi hame samajh mein aa raha hai ki hum kuch policies ke bare mein baat karne wale hain is chapter mein. Hum baat karenge, abhi tak hum supply aur demand theory padh chuke hain. जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी हमने पढ़ी है हम उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि बिफोर वी डू दैट वी शुड फर्स्ट हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट एनीबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स उसके क्या दो ब्रॉड रोल होते हैं. पहला रोल होता है कि आप थ्योरीज डेवलप करते हो और थ्योरीज टेस्ट करते हो. सो द फर्स्ट रोल इज टू डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज. इस रोल को हम बोलते हैं रोल ऑफ अ साइंटिस्ट. एंड द सेकेंड रोल इज टू यूज दीज थ्योरीज चेंज एंड हेल्प द सोसाइटी. दिस इज द रोल ऑफ अ पॉलिसी एडवाइजर. ठीक है, अभी तक चैप्टर 5 तक जो आप पढ़ चुके हो दैट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ दिस पार्ट. आपने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करी है, आपने सप्लाई थ्योरी, डिमांड थ्योरी, किस तरीके से सप्लाई और डिमांड में शिफ्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं, इन सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा है. एंड यू बेसिकली हैव अंडरस्टूड अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज थ्योरीज. जो थ्योरीज आप पढ़ चुके हो इन थ्योरीज को हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में और हम समझेंगे कि ये थ्योरीज रियल लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन है और किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज डिजाइन करती है टू फ्रॉम दीज थ्योरीज. नाउ पॉलिसीज का मेजर रोल क्या होगा. पॉलिसीज का पर्पज होता है टू चेंज एंड हेल्प द सोसाइटी. अगर आपकी सोसाइटी में कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज डिजाइन करी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू. और गवर्नमेंट चाहती है कि इन प्रॉब्लम्स को आप केटर कर पाओ. टू नेम अ फ्यू प्रॉब्लम्स, सपोज इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स वी हैव इश्यूज रिगार्डिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन कुड बी अ प्रॉब्लम, पॉवर्टी कुड बी अ प्रॉब्लम और मे बी इनइक्वालिटीज कुड बी अ प्रॉब्लम. सो हमारे पास टू नेम अ फ्यू दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव. और पॉलिसीज का पर्पज होता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो हम इस चैप्टर में ऐसी कुछ पॉलिसीज को देखेंगे. द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस. आप लोगों ने अभी तक डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है कि आपके पास एक मार्केट का डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है. और आप सब लोग ये जानते हो कि डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. और उस पॉइंट पे जो प्राइसेस होती हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं और जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. इस प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्यों है ये, क्योंकि ये डिटरमिंड बाय मार्केट है. मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, मार्केट फोर्सेस हैं सप्लाई और डिमांड. और इस जितनी इस मार्केट में सप्लाई है, जितनी इस मार्केट में डिमांड है, उसके उसके ऊपर बेस्ड जो भी इक्विलिब्रियम निकल कर आ रहा है, उस इक्विलिब्रियम में जो प्राइस है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. जो क्वांटिटी है उसको मार्केट क्वांटिटी बोलते हैं. रिमेंबर दैट दिस प्राइस इज कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस. एंड एट दिस मार्केट प्राइस, एट दिस इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू डिमांड. मतलब कि जितना मार्केट में गुड सप्लाई हो रहा है उतनी ही मार्केट में उस गुड की डिमांड है. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दीज मार्केट प्राइसेस कुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज. हम दो तरीके की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे. पहली है प्राइस सीलिंग, दूसरा है प्राइस फ्लोर. प्राइस सीलिंग क्या होती है, टू डिफाइन प्राइस सीलिंग, दिस इज अ लीगल मैक्सिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड. प्राइस फ्लोर इज अ लीगल मिनिमम प्राइस
at which a good can be sold. Now, what do we mean by these terms, legal maximum and legal minimum? So, हमें पता है, यहां तक हमें पता है कि equilibrium prices are called as market prices. Now, suppose मैं बात करूं, let's say this market represents the market of ice creams. ठीक है, यहां पे जो good है वो है आइसक्रीम. ऐसा हो सकता है कि जो आइसक्रीम बायर्स हैं, मतलब जो डिमांड कर रहे हैं आइसक्रीम की, वो बोल रहे हैं कि जो आइसक्रीम का प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो बहुत ज्यादा है, और इस इतने ज्यादा प्राइस की वजह से हम इस प्रोडक्ट को, आइसक्रीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं. तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, इफ दैट इज द सिनेरियो, देन वी विल इंट्रोड्यूस अ सीलिंग. हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक लीगल मैक्सिमम प्राइस, जिससे ज्यादा की प्राइस पे ये गुड सेल नहीं करा जा सकता. सपोज गवर्नमेंट बोल देती है कि हम सेट कर रहे हैं मैक्सिमम प्राइस एज 10. इस बात का क्या मतलब है? दिस इज अ लीगल, पहली बात तो ये समझनी है कि ये एक लीगल प्राइस है, मतलब ये मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन नहीं हो रही है, ये आर्बिट्ररीली गवर्नमेंट सेट कर रही है एट रुपीज 10, हाइपोथेटिकली एट रुपीज 10. एंड मैक्सिमम का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा प्राइस इस कमोडिटी की हो नहीं सकती. दिस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच यू कैन सेल दिस कमोडिटी. ठीक है, नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट दिस प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग, इज नॉन बाइंडिंग. लेट्स फर्स्ट लुक एट द केस वेर इट इज नॉन बाइंडिंग. इफ सपोज द गवर्नमेंट सेज दैट मैक्सिमम प्राइस इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि लीगल मैक्सिमम प्राइस जो है वो इस पॉइंट पे होगी, और आपकी मार्केट प्राइस क्या है? आपकी मार्केट प्राइस है पीई. दिस इज अ सिचुएशन वेयर दिस प्राइस सीलिंग इज नॉन बाइंडिंग. ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग. नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि इस प्राइस सीलिंग से या इस पॉलिसी से हमारे मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा प्राइस आप इस कमोडिटी को नहीं सेल कर सकते, आइसक्रीम को आप इस प्राइस से ज्यादा पे नहीं सेल कर सकते. और ये नॉन बाइंडिंग इसलिए है मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इससे कम प्राइस पे आइसक्रीम सेल कर रहा है. सो अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू है 10, ठीक है, आपका मार्केट प्राइस जो है वो ऑलरेडी 10 से छोटा है, लेट्स से 8, और गवर्नमेंट बोल रही है प्राइस सीलिंग का मतलब है दैट दिस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच यू कैन सेल द कमोडिटी, इससे ज्यादा की प्राइस पे आप सेल नहीं कर सकते, इससे कम प्राइस पे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो. तो अगर आप ऑलरेडी 8 पे सेल कर रहे हो तो देन दिस पॉलिसी इज नॉन बाइंडिंग, ये आपके लिए कोई चेंज नहीं क्रिएट कर रही, यू आर ऑलरेडी सेलिंग एट अ लेसर प्राइस. द सेकेंड केस इज वेयर दिस प्राइस सीलिंग बिकम्स बाइंडिंग, और वो केस क्या होगा? This is the demand curve, this is the supply curve, ठीक है, and this is your equilibrium price and equilibrium quantity. Now, government बोल रही है, buyers complain कर रहे हैं कि 8 rupees is too much for us to pay the prices for ice cream. हम इतना afford नहीं कर सकते. तो government ने बोला कि ठीक है, हम price ceiling introduce कर रहे हैं at a price less than rupees 8. Let's say this price is 5. गवर्नमेंट बोल रही है कि आप मार्केट में 5 रुपए से ज्यादा आइसक्रीम के प्राइस नहीं रख सकते, आपको प्राइस रखना पड़ेगा 5 रुपीज, लेकिन आपका मार्केट प्राइस कितना है? आपका मार्केट प्राइस है 8 रुपीज. दिस इज द केस वेयर दिस पॉलिसी ऑफ प्राइस सीलिंग बिकम्स बाइंडिंग. Why binding? Because now this policy is creating disturbance in the market. आपका market price कितना है? 8 rupees. और आपको price कितना बोला गया है? Government ने बोला है that this is the maximum price. आप 5 rupees से ज्यादा इस commodity को sell नहीं कर सकते. And this is a legal binding price. तो आप कोई chance ही नहीं है कि कोई भी ice cream seller इस commodity को 8 rupees पे sell करेगा. सब लोग 5 rupees पे
सेल करेंगे, जबकि मार्केट फोर्सेस क्या बोल रहे हैं, मार्केट फोर्सेस बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए 8 रुपीज पे। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है मार्केट में, लेट्स सी। पहले तो ये समझ लें कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है ये किसके लिए इंट्रोड्यूस करी है, बायर्स के लिए, क्योंकि बायर्स चाह रहे हैं कि प्राइसेस कम हो, और बायर्स क्या चाहते हैं, दैट एट रिड्यूस्ड प्राइसेस दे कैन अफोर्ड द कमोडिटी एंड दे कैन यूज द कमोडिटी। सो दैट इज द गोल ऑफ द पॉलिसी, द गोल ऑफ द पॉलिसी इज दैट द कमोडिटी बिकम्स अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी बायर। लेट्स नाउ सी कि क्या ये जो एजेंडा है, जो ये गवर्नमेंट का एजेंडा है कि ये कमोडिटी अफोर्डेबल हो और हर तरीके का बायर इसको अफोर्ड कर पाए, क्या वो एक्चुअली में अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सो नाउ द न्यू प्राइस विल बी दिस वन, बिकॉज प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करी हुई है। इस प्राइस पे आप देखोगे कितना डिमांड है, दिस इज द लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है, और इस प्राइस पे सप्लाई कितना है, दिस इज द लेवल ऑफ सप्लाई। व्हाट डू यू नोटिस हियर, यू नोटिस दैट एट प्राइस पीसी इक्वल टू 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। सो यू नोटिस दैट जब प्राइस सीलिंग बाइंडिंग होती है, विच इज द केस व्हेन द प्राइस सीलिंग प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द स्पेसिफिक केस वी आर टॉकिंग अबाउट। इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल नोटिस दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड दिस क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी। इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं स्पेसिफिकली आइसक्रीम की बात करूं तो मैं बोल रही हूं कि अगर ये कमोडिटी, अगर आइसक्रीम 8 रुपए पे सेल हो रही है तो जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, क्योंकि एट दिस पॉइंट सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। लेकिन अगर इस कमोडिटी का प्राइस हो जाएगा 5 रुपए तो इसकी जो डिमांड है, मतलब जो जितने लोग इस चीज को, इस कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू सेल दिस कमोडिटी एट रुपीज 5। मतलब क्या हो जाएगा कि खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे और बेचने वाले कम हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपकी मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी या एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ बाइंडिंग प्राइस इज दैट दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, एंड वी नोटिस दैट द क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। अब क्या होगा कि बेचने वाले कम लोग हैं और खरीदने वाले ज्यादा हैं। अब इसकी वजह से रैशनिंग होगी। अब ये रैशनिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई सेलर अपने किसी पर्सनल रिलेटिव को ये कमोडिटी दे दे। अगर मैं सपोज सेलर हूं तो मैं बोलूंगी कि चलो दिस इज अ कमोडिटी इन डिमांड और इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो मैं आपको सेल कर दे रही हूं। बहुत सारे तरीके के बायस क्रिएट हो सकते हैं कि मैं इसको सेल करूंगा, इसको नहीं सेल करूंगा। आप किसी से ज्यादा प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो, आप फायदा उठा सकते हो और बोल सकते हो कि चलो मैं आपको ये कमोडिटी दे रहा हूं लेकिन मैं ज्यादा प्राइसेस चार्ज करूंगा। तो फिर आपका जो पर्पज है, प्राइसेस नॉट इन द सेंस ऑफ लीगल प्राइस बट मे बी अंडर द टेबल प्राइसेस आप चार्ज कर सकते हो, राइट right? आप दिखाओगे कि आपने 5 रुपए लिए हैं लेकिन आप अंडर द टेबल प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा बायर्स का, वेटिंग टाइम, सर्च टाइम, बिकॉज ये कमोडिटी जो है इसकी अब क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई है तो बायर्स को दिक्कत होगी इस कमोडिटी को खरीदने में। अगर आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं और सपोज कि इसकी सप्लाई कम हो गई है तो हो सकता है बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाए आइसक्रीम पार्लर्स पे कि हमें आइसक्रीम दो। तो बहुत सारे इश्यूज जो है क्रिएट होंगे, और ये सारे इश्यूज किसके लिए क्रिएट हो रहे हैं, बायर्स के लिए। तो जो इस पॉलिसी का पर्पस था कि हम बायर्स के लिए इस कमोडिटी को अफोर्डेबल बनाएं, इस कमोडिटी को ऐसा बनाएं कि सब लोग खरीद पाए, वो हम देख रहे हैं कि वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर मार्केट में 10 बायर है तो ये कमोडिटी सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिल पा रही है,
सबका फायदा नहीं हो पा रहा, सबका फायदा नहीं हो पा रहा, किसी सिलेक्टेड लोगों का फायदा हो रहा है और जिस भी इंसान का फायदा हो रहा है उसको भी बहुत स्ट्रगल के बाद ये कमोडिटी रिसीव होगी। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्राइस सीलिंग की, जिसका पर्पज ये था कि कमोडिटी अफोर्डेबल होए, कमोडिटी का एक्सेस बढ़े, कमोडिटी हर कोई इंसान खरीद पाए और यूज कर पाए, वो हम देख रहे हैं कि वो ऐसा नहीं हो पाए। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि ये किस तरीके से और कब यूज होती है, द एग्जाम्पल ऑफ 1973 व्हेन ओपेक, ओपेक इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, कंट्रीज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। नाउ 1973 में ओपेक ने, इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने डिसाइड करा था कि हम क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बढ़ा देंगे, एंड हम सबको पता है कि ये जो क्रूड ऑयल है दिस इज बेसिकली यूज्ड एज एन इनपुट इन गैसोलीन और पेट्रोल, ये एक इनपुट होता है पेट्रोल के लिए। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं पेट्रोल के मार्केट की बात करूं, अगर मैं पेट्रोल या गैसोलीन के मार्केट की बात करूं, तो दिस इज माई डिमांड कर्व, दिस इज माई इनिशियल डिमांड कर्व बिफोर 1973 और ये है मेरा सप्लाई कर्व। क्रूड ऑयल के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, पेट्रोल के डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल जो है प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है, ये किसको इफेक्ट करेगा, जो गैसोलीन बनाते हैं सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर्स देख रहे हैं कि भाई हम क्रूड ऑयल से गैसोलीन बनाते हैं, क्रूड ऑयल जो है हमें महंगा पड़ रहा है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वो सप्लायर डिक्रीज करेंगे। सप्लाई कर्व, इनिशियल प्राइस क्या थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, सप्लाई शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड्स, डिक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड्स हो रही है तो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, नया प्राइस क्या आ रहा है, नया प्राइस आ रहा है पिछले प्राइस से ज्यादा, लेट मी कॉल दिस P1, दिस इज P2 और क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो गया है Q2। नाउ यू नोटिस दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स एंड दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गैसोलीन ऑफ द पेट्रोल। अब क्या है कि पेट्रोल पंप पे, लेट्स से दिस इज द पेट्रोल पंप, यहां पे पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ गया है। अब आएगी गवर्नमेंट का रोल। अब पेट्रोल जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, सब लोग यूज करते हैं, द गवर्नमेंट माइट वॉन्ट कि ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि, गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस सीलिंग। मैं गवर्नमेंट बोल रही है कि गैसोलीन के प्रोडक्ट में हम प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट दिस प्राइस, ठीक है। नाउ एट दिस प्राइस यू नोटिस दैट दिस इज प्राइस सीलिंग इज लेस देन P2, मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है P2 और गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आप इसको PC से ज्यादा प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, हमने प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। अब क्या है कि प्राइस सीलिंग जब इंट्रोड्यूस हो गई तब ये बाइंडिंग प्राइस सीलिंग है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि PC इज लेस देन P2 और क्योंकि ये बाइंडिंग प्राइस सीलिंग है, यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा इस प्राइस पे, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस सीलिंग इन द मार्केट। नाउ यू विल नोटिस दैट एट दिस प्राइस PC क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब पेट्रोल पंप पे क्या होगा, पहले जो वो P2 प्राइस पे सेल करने का सोच रहे थे, अब वो P2 पे सेल ही नहीं कर सकते, अब उनको पेट्रोल देना पड़ेगा PC प्राइस पे। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर पहले 4 पेट्रोल पंप इस पेट्रोल को प्रोवाइड कर रहे थे तो अब 2 प्रोवाइड करेंगे, सप्लायर्स कम हो जाएंगे मार्केट में, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि पेट्रोल पंप्स पे आप लंबी लंबी लाइन देखोगे लोगों की जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने प्राइस तो रिड्यूस कर दी, प्राइस आपने कंट्रोल कर ली, लेकिन तब भी ये गुड जो है, ये कमोडिटी जो है सारे कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि बाय द टाइम यू रीच दिस कंज्यूमर आपका पेट्रोल खत्म हो जाए और ये बाकी 2 लोगों को पेट्रोल ना मिल पाए बिकॉज पेट्रोल की जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो इस पॉलिसी की वजह से, जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग
किया है उसकी वजह से जो है ये कमोडिटी एक्सेसिबल सब लोगों के लिए नहीं हो पाएगी. ओनली अ फ्यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस कमोडिटी एट अ लेसर प्राइस. तो जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था, और ये यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा करा था, यूएस गवर्नमेंट ने 1973 में पेट्रोल के प्राइसेस को, पेट्रोल के मार्केट को रेगुलेट करा था. इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स. रेगुलेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस को डिस्टर्ब करती है. तो इस रेगुलेशन की वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि सब लोगों के लिए ये गुड जो है एक्सेसिबल नहीं था, और इसकी वजह से धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पेट्रोल पंप्स पे बहुत लंबी लंबी लाइन क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी फिर हटा दी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर दिस पॉलिसी कुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ दिस पॉलिसी इज नॉट गेटिंग व्हाट इट वांट्स टू गेट. किया जा सकता है. प्राइस फ्लोर ऑन द अदर हैंड टेल्स यू द लीगल मिनिमम प्राइस. इट गिव्स यू द लीगल मिनिमम प्राइस एट विच द गुड कैन बी सोल्ड. नाउ जैसे कि प्राइस सीलिंग वॉज यूजफुल फॉर द बायर्स, प्राइस सीलिंग बायर्स के लिए हेल्पफुल थी, प्राइस फ्लोर जो है वो सेलर्स के लिए हेल्पफुल होता है, सेलर्स और सप्लाई साइड. और प्राइस फ्लोर का क्या मतलब है? लीगल मिनिमम प्राइस, मतलब कि जो भी गुड है वो कम से कम इस प्राइस पे सेल किया जाएगा. प्राइस, इस प्राइस जो फ्लोर प्राइस है उससे कम कमोडिटी का प्राइस नहीं हो सकता. इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता. और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि जो भी सप्लाई साइड पे इंडिविजुअल्स हैं उनको फायदा हो. हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में कम है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि सेलर्स को करेक्ट इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, सेलर्स को फायदा नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ प्राइस फ्लोर और इतना मिनिमम प्राइस को इस कमोडिटी का सेट करना पड़ेगा. अगेन प्राइस फ्लोर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज बाइंडिंग एंड द अदर इज नॉन बाइंडिंग. Let's look at which one will be binding and which one will be non-binding. This is the demand curve. This is the supply curve. You have quantity, you have prices. Your equilibrium price is PE. This is the equilibrium point. Agar market ko market forces pe chhod diya jayega, to prices is price pe aake settle hungi. And this is the quantity. Again, price floor could be greater than the equilibrium price or it could be less than the equilibrium price. When the price floor is less than the equilibrium price, this case price floor is less than the equilibrium price, tab kya ho raha hai? Hum bol rahe hain ki government ne bola hai ki is price pe, this is the minimum price at which you can sell your commodity. और आप ऑलरेडी मार्केट में पीई प्राइस पे सेल कर रहे हो. सो दिस इज द नॉन बाइंडिंग केस. नॉन बाइंडिंग क्यों? क्योंकि प्राइस फ्लोर, जितना प्राइस गवर्नमेंट बोल रही है कि मिनिमम इतना प्राइस होना चाहिए इस कमोडिटी का, आप ऑलरेडी उससे ज्यादा प्राइस पे अपनी कमोडिटी सेल कर रहे हो. तो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन प्राइस फ्लोर एंड हेंस दिस इज नॉन बाइंडिंग. लेट्स लुक एट दिस केस वेयर price floor is greater than the equilibrium price or the market price. At this case, in this case, what is happening? Government is saying that this is the minimum price at which you can sell this commodity. And the market is selling the commodity at a lesser price. So in this case, the price floor becomes binding. Why binding? Because now market equilibrium price will not be fulfilled in the market. This is not the price that the market will sell the commodity at. Market will sell the commodity at PF. Because government ne bola hai ki ye kam se kam price hona chahiye aapki commodity ka, jo jis pe aap is commodity ko sell kar sakte ho ya khareed sakte ho. Aur aapka market price jo hai wo is price se kam hai. Isiliye aapka jo ye wala case hai where PF is greater than PE becomes binding. This The results that you have here is opposite to the results that you had in price ceiling. Price ceiling में ये वाला case binding था. Remember, हमने यहाँ पे देखा था कि
डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, एक्सेस डिमांड होगी. दिस वॉज द बाइंडिंग केस इन प्राइस सीलिंग. यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट दिस इज द बाइंडिंग केस इन प्राइस फ्लोर, बिकॉज दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग है. प्राइस फ्लोर आपको बोलता है मिनिमम प्राइस, और प्राइस सीलिंग आपको बताता है मैक्सिमम प्राइस. ओके, सो नाउ वी लुक एट द केस वेयर प्राइस फ्लोर इज बाइंडिंग एंड वील सी वॉट हैपन्स. नाउ एट दिस प्राइस वॉट इज हैपनिंग, एट दिस प्राइस this is the level of quantity supplied and this is the level of quantity demanded, because ye demand curve ka point hai, and this is the level of quantity supplied. theek hai, what do we notice? That when price floor is greater than equilibrium price, that is when the policy is binding the market, then we observe that quantity supplied is greater than quantity demanded. theek hai, which means that now in the market you have created excess supply. Excess supply ka kya matlab hai? Surplus ho gaya hai commodity ka. To jitni total commodity hai uska sirf ek portion aap sell kar pa rahe ho, the rest of the portion remains unsold, remains with the seller. To jo price floor policy ka एजेंडा था, विच वॉज टू हेल्प द सेलर्स, विच वॉज टू पुट सेलर्स इन अ बेनिफिशियल पोजिशन, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है. सेलर्स के पास अब वो अपना सारा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड सरप्लस. सो सिमिलर टू द केस ऑफ प्राइस सीलिंग, जहां पे हमने देखा था कि प्राइस सीलिंग का पर्पस था बायर्स को हेल्प करना, लेकिन अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट है वो सारे बायर्स तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था. सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो सारे सेलर्स को फायदा नहीं होगा. कुछ सेलर्स जो अपनी कमोडिटी सेल कर पा रहे हैं वो उनको फायदा होगा, लेकिन बाकी सेलर्स को फायदा नहीं. लेट्स लुक एट एन एप्लीकेशन देन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, विच इज दैट ऑफ मिनिमम वेज. जब हम लेबर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तब आपने ये टर्म शायद सुना होगा, विच इज मिनिमम वेज, जिसका क्या मतलब है. मिनिमम वेज इज बीइंग सेट बाय द गवर्नमेंट, और ये इसलिए सेट करी जाती है जिससे कि जो इम्प्लॉयज हैं उनको अपना मिनिमम बेसिक वेज मिले. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं इस सिचुएशन की, तो प्रोडक्ट है लेबर, प्राइस क्या है लेबर का, वेजेस, वेजेस सैलरी जो उनको मिलती है लेबर को, एंड लेबर इज द वर्क दैट दे आर ऑफरिंग, सो द प्रोडक्ट इज लेबर. देन सिमिलर टू अ यूजुअल मार्केट, जहां पे आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, आपके पास यहाँ पे भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, विच इज दैट ऑफ लेबर डिमांड, एंड एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, विच इज दैट ऑफ लेबर सप्लाई. सो लेबर डिमांड का क्या मतलब है, द वन हु इज डिमांडिंग लेबर, तो ये कौन हुआ, फर्म्स. और सप्लाई का जो लेबर ऑफर कर रहे हैं, तो ये कहां से ऑफर हो रहा है, हाउस होल्ड से, पीपल लाइक अस हु वॉन्ट टू गेट एम्प्लॉयड, हु आर इन द जॉब मार्केट. लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ प्राइस फ्लोर. मिनिमम वेज का क्या मतलब है, मिनिमम वेज का मतलब है दैट सिमिलर टू द प्राइस फ्लोर, यहाँ पे सिंस वेजेस आर नथिंग बट प्राइसेस, हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर रही है लेबर का, एंड दिस इज अ मिनिमम प्राइस दैट हैज टू बी गिवन टू द लेबर, बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है दैट दिस प्राइस इज बेसिकली जस्टिफाइड फॉर द वर्क दैट द लेबर ऑफर्स. ना मार्केट वेज रेट कितना है, डब्ल्यू स्टार, एंड एट दिस डब्ल्यू स्टार लेबर सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेबर डिमांड. ठीक है, तो एट डब्ल्यू स्टार इफ आई कॉल दिस एज लेबर सप्लाई एंड दिस एज लेबर डिमांड, लेट्स से लेबर सप्लाई में है तीन लोग हाइपोथेटिकली, एट वेज रेट डब्ल्यू स्टार दीज आर द नंबर ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब, and these are the number of companies or number of job positions which are vacant. So at W star labor supply is exactly equal to labor demand, teenon positions fill ho jayengi. Lekin is point pe government aati hai aur government bolti hai ki ye jo W star hai this is very less
फॉर सबसिस्टेंस. आप बहुत कम पैसे, बहुत कम वेजेस दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को. गवर्नमेंट बोलती है कि आपको मिनिमम वेजेस देने हैं डब्ल्यू प्राइम के इक्वल. दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस दैट यू आर सपोज टू पे टू योर एम्प्लॉयज. यहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला दैट यू हैव टू पे डब्ल्यू प्राइम लेवल ऑफ वेजेस विच इज ग्रेटर देन डब्ल्यू स्टार. सो दिस बिकम्स अ केस ऑफ बाइंडिंग प्राइस फ्लोर. नाउ एट दिस W star, what do you notice? Now firms बोलेंगी कि अच्छा हमें wages ज्यादा देने हैं, then we will reduce our positions. Labor's demand will fall. पहले labor demand कितना था? At W star, labor demand was at this point. Now when the wages have increased, labor demand will fall to this point. So instead of three positions, let's say now there are only two positions. Now that the wages have increased from W star to W prime, यहां पे लोगों को लगेगा कि अब हमें ज्यादा wages मिलनी है, तो new people will join the labor sector, the labor supply sector, because now the wages are higher. So in expectation of higher wages, new people will enter into the job market. ठीक है, so new people will come into the picture. So labor supply will increase, and that is what we see graphically also. Initially labor supply was at this point, now at W prime labor supply is at this point, so it increases. Now what do you see? You see that supply is greater than demand, which is what we are saying, that price floor actually creates excess supply. Now what will happen, ki sirf do logo ko job milegi. ठीक है, इन पांच लोगों में से सिर्फ टू पीपल विल गेट द जॉब एंड द रेस्ट ऑफ द थ्री विल बिकम अनएम्प्लॉयड, जो कि यहां पे नहीं हो रहा था. यहां पे तीनों लोगों को जॉब मिल रही थी, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन यहां पे अब अनएम्प्लॉयड लोग भी बन जाएंगे, जो कि तीन लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी ऑफ प्राइस फ्लोर, वी नोटिस दैट इट हैज एक्चुअली लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट, जो कि W star पे नहीं हो रहा था. बिकॉज द गवर्नमेंट हैज intervened इन द मार्केट एंड disturbed द मार्केट फोर्सेस, disturbed द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देयर विल बी an issue ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इन दो लोगों को डेफिनेटली फायदा हो रहा है. पहले इस सिचुएशन में इनको W star wages मिल रही थी, अब इन्हें W prime मिल रही है, लेकिन ये फायदा सिर्फ दो लोगों का हो रहा है जिनको ये जॉब मिल पा रही है, बाकी तीन लोग अनएम्प्लॉयड है. सो वी सी दैट price floor or intervention by the government in terms of prices actually creates a problem of unemployment in the labor market. Right? Now, ki the situation becomes even more difficult if suppose there is a displacement of labor. Labor ka kya matlab hai ki price floor ki wajah se, as I said, that some new people will enter into the market. Let's say ki teen log to already the. ये तीन लोग तो ऑलरेडी थे लेबर मार्केट में, ये जो है ये दो नए लोग आए हैं. ठीक है, आई एम सेइंग दीस टू आर द न्यू पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू द लेबर मार्केट. नाउ इट इज इवन पॉसिबल कि जब जॉब पोजीशंस कम हो गई हैं, तो पहले क्या होगा, जो पहले तीन लोग एम्प्लॉयड थे उसमें से एक इंडिविजुअल विल बी फायर्ड, वन ऑफ देम विल बी फायर्ड, सो ही बिकम्स unemployed, he joins the unemployed sector. And it is even possible कि यहाँ पे जो नया individual job market में enter करा था, उसने पुराने individual को displace कर दिया. तो यहाँ पे जो ये individual already employed था, he gets displaced and he joins the unemployed sector, whereas the new person who has entered because the wages have increased gets the job. So प्राइस फ्लोर की वजह से हम नोटिस कर रहे हैं कि लेबर का डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. सो दिस बिकम्स इवन मोर प्रॉब्लमैटिक कि जिनके पास ऑलरेडी जॉब थी उनकी भी जॉब चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ प्राइस फ्लोर, और बाकी यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का पूल भी बन गया है. तो ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी ये सोच के कि इससे फायदा होगा लेबर का, लेबर जो लेबर है जिसको प्राइस जिसको सही वेजेस नहीं मिल रही थी, सबसिस्टेंस वेजेस नहीं मिल रही थी, अब उनको वेजेस मिलेंगी, ज्यादा वेजेस मिलेंगे. एक्चुअली में ये देखा जा रहा है कि जब हम इस पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्चुअली में इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द लेबर मार्केट, इट इज क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. लेट्स कंक्लूड एंड इवैल्यूएट
प्राइस कंट्रोल्स, हमने दो प्राइस कंट्रोल्स के बारे में बात करी है. पहला था प्राइस सीलिंग और दूसरा था प्राइस फ्लोर. प्राइस कंट्रोल्स क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें, बिकॉज हम एक तरीके से मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम दो तरीके के लॉज की बात करते हैं. एक होता है लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और एक होता है लॉज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, और इन दोनों का ही जो इंटरैक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर बोल रहे हैं, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है कि ये डिमांड है ये सप्लाई है, और ये बोल रहा है कि डिमांड और सप्लाई बोल रहा है कि इतना प्राइस आपको सेट करना है और इतनी आपकी क्वांटिटी मार्केट में प्रोड्यूस होगी और सेल करी जाएगी. लेकिन जब लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के साथ लॉज ऑफ गवर्नमेंट मिक्स हो जाते हैं. लॉज ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि आपको मिनिमम प्राइस रखना है, आपको मैक्सिमम प्राइस रखना है, ये लॉज ऑफ गवर्नमेंट है जिनका कोई मार्केट पर्पज नहीं है. जब जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करा है, इट विल बी नाइस अगर आप स्टार्टिंग से ये क्लैरिटी रखो कि मार्केट का पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स एट सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबका भला भी हो, प्राइसेस और क्वांटिटी के अलावा गवर्नमेंट चाहती है सबका भला भी हो और मार्केट चाहता है कि हमारा प्रॉफिट हो. तो जब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो हम हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग क्या सही प्राइस और सही क्वांटिटी है. तो ये होते हैं लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. लॉज ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगे कि नहीं, भले ही मार्केट ये बोल रहा है कि प्राइस पीई के इक्वल होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग प्राइस पीई से ज्यादा होना चाहिए या पीई से कम होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट. बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर, कि गवर्नमेंट चाहती है कि सब सबको सही वेजेस मिले, या गवर्नमेंट चाहती है कि हाउस रेंट्स जो है सिटी में वो कंट्रोल्ड हो, बहुत ज्यादा नहीं हो. तो इन सारे इंटेंशंस की वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में, और उसकी वजह से जो मार्केट में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमने अभी ऑब्जर्व करे. हमने देखा कि मिनिमम वेज के केस में गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो एक्चुअली में उन लेबर की हेल्प करने की जगह उनके नुकसान हो रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है. हमने देखा था कि जब हम ऑयल की बात कर रहे थे कि ऑयल का जब प्राइस बढ़ गया और जब गवर्नमेंट ने वहां पे प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करी तो उसकी वजह से डिमांड साइड पे बहुत नुकसान हुआ. कुछ लोगों को ऑयल मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइंस में वेट करके ऑयल मिला. तो किसी भी तरीके से प्राइस कंट्रोल ऐसा लग रहा है दोनों पॉलिसीज को इवैल्यूएट करके कि प्राइस कंट्रोल इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल वेलफेयर. इफ वी से दैट दिस इज द कंक्लूजन कि प्राइस कंट्रोल इतने इफेक्टिव नहीं है, देन देयर हैज टू बी सम अल्टरनेटिव्स. अगर गवर्नमेंट लोगों की हेल्प करना चाहती है, इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई, एंड द गवर्नमेंट वांट्स कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको अच्छी वेज मिले, मतलब उनको मिनिमम वेज मिले, तो गवर्नमेंट और तरीके अडॉप्ट कर सकती है. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वेज रेट, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द प्राइसेस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, सपोज एल स्टार लोग एम्प्लॉयड हैं और उनको वेज मिल रही है W, ठीक है, मार्केट वेज रेट मिल रही है W स्टार. गवर्नमेंट चाहती है कि ये W स्टार कम है और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है मिनिमम वेज विच इज ग्रेटर देन W स्टार. ठीक है, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेबर डिमांड, मतलब ऑन द फर्म्स, इंस्टेड कि आप फर्म्स को बोलो कि आप ज्यादा प्राइसेस ऑफर करो, गवर्नमेंट एक और काम कर सकती है जो कि है कि फर्म्स से तो एम्प्लॉयज को W स्टार मिले, लेकिन जो डिफरेंस है W स्टार और MW में, वो वाला पार्ट गवर्नमेंट खुद दे दे इन एम्प्लॉयज को. दिस कुड बी वन सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट फोर्सेस भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो उतना ही रहेगा और मार्केट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी और इन एम्प्लॉयज को अपना मिनिमम वेज भी मिल जाएगा. सो दिस कुड बी वन ऑल्टरनेटिव, वन सोल्यूशन दैट द गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट to solve this problem. Let the market work on its own and the people will also get their
minimum wage. Might create problems for the government in the sense that government ko phir bahut sara revenue jo hai collect karna padega kyunki unko in employees ko grants dene hai jinko hum subsidies bhi bolte hai. तो उस इन सब्सिडीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को कलेक्ट करने पड़ेंगे टैक्सेस जो कि हम लोगों से ही लिए जाते हैं, जो कि सिटीजन से ही लिए जाते हैं. तो सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं. हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जब जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी रिलीज करती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज इकोनॉमिस्ट, एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी हमको सारी चीजों का प्रो एंड कॉन, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या चीज सही है, किस चीज से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मार्केट में, ये हमें धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करना है और समझना शुरू करना है. एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ द एक्सपोजर दैट इज बीइंग गिवन टू यू इन दिस टेक्स्ट बुक, कि आप इन चीजों को क्रिटिकली एनालाइज कर पाओ.